हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। रीट लेवल 2 SST का आज यूनिट 1 का टेस्ट है और सभी को सूचित कर दिया गया था कि कौन कौन से चैप्टर आप लोग पढ़ के आएंगे, कौन कौन सी क्लास के। तो यहाँ यूनिट 1 में जो भी टॉपिक हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल, तो मैंने आपको चैप्टर बता दिया था कि कौन सी क्लास का कौन सा चैप्टर आपको याद करना है। तो जो भी बच्चे बुक से याद करके आए हैं या यूट्यूब चैनल पर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चलाई गई थी उससे याद करके आए हैं या PDF फाइल से याद करके आए हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 30 में से सभी के 30 में से 29 या 30 तो आने ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो है, जिस तरीके से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वो आपको बहुत आसान हो जाता है और जल्द ही आप जो है सारी चीज़ें कवर कर लेते हो, क्योंकि बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। और इसके जो क्वेश्चन आंसर जो है वो भी मैं इस तरीके के तैयार करती हूँ कि एक चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मिल सके, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो मैंने चलाई है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो ना छूटे और बुक आपकी कवर हो जाए। क्योंकि देखिए, रिवीजन टाइम में बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा भारी काम हो जाता है और इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो आप फटाफट से PDF फाइल को जो है हाथों में उठाकर फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं 30 में से कितने क्वेश्चन आज आप सही करोगे और सभी बताइएगा। लास्ट में सभी के देखूंगी मैं, यहाँ पर केवल क्वेश्चन बोलूंगी मैं, चार ऑप्शन जो है वो आप देखिएगा, पेन कॉपी उठाकर बैठिए और लिखते जाइएगा क्वेश्चन 1 का कौन सा ऑप्शन जो है वो आपने सही किया है, ठीक है? कौन सा चूज किया है आपने, इसका सही आंसर क्या है। तो क्वेश्चन 1 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख किस वस्तु पर निर्मित प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख किस वस्तु पर निर्मित प्राप्त हुए हैं? मोहरों पर, शिलालेखों पर, ताम्र पत्र पर या उपरोक्त सभी? तो क्या रहेगा क्वेश्चन 1 का सही आंसर? तो यहाँ पर आप लोगों ने लगा लिया है और देखिए अब इसका आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख जिन वस्तुओं पर निर्मित प्राप्त हुए हैं वह क्या थी? मोहरें, मोहरों पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखें, महाजनपद राजधानी से सही सुमेलित तो नहीं है। महाजनपद राजधानी से सही सुमेलित तो नहीं है गांधार, तक्षशिला, अवंती, कौसाम्बी, मल्ल कुसीनारा या वज्जी वैशाली? तो 16 महाजनपद और उनकी राजधानियां आप लोगों ने याद की हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, और आगे लिखिए कौन सा ऑप्शन जो है वो आपने लगाया है। बहुत ईमानदारी से करना है, देखिए खुद के साथ ही ईमानदारी आपको दिखानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा, यहां पर ऑप्शन बी जो है अवंती, कौसाम्बी जो है अवंती की राजधानी नहीं थी, ठीक है? तो 16 महाजनपद में ये जो अवंती जनपद है ये कहाँ पर था? पश्चिमी और मध्य मालवा का जो क्षेत्र है वहां पर बसा हुआ था। दो भाग थे इसके, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की क्या थी? महिष्मति। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 3, ऋग्वेद के बारे में क्या असत्य है, क्या गलत है यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद को पढ़ा जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण होता था, ऋग्वेद का श्रवण होता था या ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी? तो इसमें से 3 लाइनें ऋग्वेद के बारे में बिल्कुल सही हैं और एक गलत है। तो बताइए ऋग्वेद के बारे में क्या असत्य है? ऋग्वेद को पढ़ा जाता था, ऋग्वेद का उच्चारण होता था, ऋग्वेद का श्रवण होता था या ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत थी? तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कि ऋग्वेद को जो है पढ़ा नहीं जाता था, इसका उच्चारण होता था, श्रवण होता था और भाषा वैदिक संस्कृति। ये तीनों ही लाइनें सही हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? सिंधु नदी, विपाशा नदी, पर्युषणी नदी और शतुद्री नदी? तो ये प्राचीन नाम है नदियों के, तो इनके जो आधुनिक नाम है वो भी आपको याद रहने चाहिए। तो जो 10 राजाओं का युद्ध था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? पर्युषणी नदी, ठीक है? तो जो 10 राजाओं का युद्ध था वो
परोसणी जो नदी है उसके किनारे पर लड़ा गया था। और इसमें जो भरत जन के राजा थे सुदास, इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था। 5 देखें, उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? सप्त सैंधव प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, मगध या दक्कन? तो सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग बहुत पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जिसने क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो पढ़ ली तो मुझे नहीं लगता कि 30 में से एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत करेगा, ठीक है। लेकिन बहुत ईमानदारी से जिसने पढ़ाई की है, तो यही फायदा होता है क्वेश्चन आंसर सीरीज का कि कम समय में आप जो है वो बहुत अच्छे से लर्न कर पाते हो। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा गंगा यमुना दोआब, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो स्थल कौन सा था? गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट देखें, महाजनपद काल में अवंती राज्य के दक्षिण भाग की राजधानी का क्या नाम था? महाजनपद काल में अवंती राज्य के दक्षिण भाग की राजधानी का क्या नाम था? मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने सुनी है, तो इसका सही आंसर आपको आ गया होगा उज्जैनी, कौसाम्बी, महेशमति या इंद्रप्रस्थ। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था आपको अवंती राज्य की दो राजधानियां थी, उत्तर में अलग और दक्षिण भाग की अलग। तो चलिए इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, मैं सभी के बाद में देखूंगी कमेंट, आप लोग बस आंसर लगाते जाइए। आंसर है इसका महेशमति, ठीक है, सबका सही होगा। कौन सा वेद चंपू शैली में लिखा गया है? कौन सा वेद चंपू शैली में लिखा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इनकी सीक्वेंस जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा वेद सबसे पहला है, ठीक है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, कौन सा चौथा है। तो यहां पर कौन सा ऐसा वेद है जो चंपू शैली में लिखा गया, तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जो रहेगा, फटाफट से लगाते जाइए आंसर, यजुर्वेद, ठीक है, यदि आपने किया है यजुर्वेद। नेक्स्ट देखें, चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की? चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की? कर्नल थॉमस ने, जेम्स प्रिंसेप ने, कर्नल जेम्स टॉड ने या रॉबर्ट हुक ने? चंद्रावती सभ्यता की खोज किसने की? कर्नल थॉमस, जेम्स प्रिंसेप, कर्नल जेम्स टॉड या रॉबर्ट हुक? तो यहां राइट आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टॉड। नेक्स्ट देखें, बैराट स्थल जहां महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं किस जनपद की राजधानी थी? बैराट स्थल जहां पर महाभारत कालीन अवशेष मिले किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराट स्थल ऐसा स्थल था जहां पर हर काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है, पाषाण काल से लेकर और मौर्य काल तक। सूरसेन जनपद, वज्जी जनपद, मत्स्य जनपद या वत्स जनपद? तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये, तो इसका सही आंसर जो है वो है मत्स्य जनपद। नेक्स्ट देखें, किसे महाजनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? चेदी महाजनपद, वज्जी महाजनपद, वत्स महाजनपद या मगध महाजनपद? तो इन चारों में से ऐसा कौन सा है महाजनपद जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो लिखते जाइए फटाफट से क्वेश्चन 10 का, आपका जो सही आंसर है वो क्या है। तो एक एक करके सभी यूनिट जो है वो हम कवर कर लेंगे और साथ में आपके जो जो भी चैप्टर मैं आपको बताती हूँ कि इस यूनिट में इतने चैप्टर जो है वो आप याद करके आए, तो सारे चैप्टर जो है वो भी आपके कवर होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा चेदी महाजनपद। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 11, सूची एक को सूची दो से सुमिलित करना है। तो यहाँ पर नदियों के नाम है जिसमें सूची एक जो है जिसमें ए बे से दे इस तरीके से दिया है, और सूची दो जो है जिसमें 1, 2, 3, 4 ऐसे नदियों के नाम दिए हैं। तो आपको जो है सुमेलित करना है, ऑप्शन आपके ये रहे। तो क्या रहेगा ऑप्शन ए का सही आंसर, कि जो सूची एक है उसमें ए पर जो है 1, 2, 3, 4 है, कौन सी नदी है, ठीक है। तो नदियों के प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है।
तो देखिए यहां पर जो सही आंसर रहेगा लगाइए पहले आप फटाफट से। तो ये देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, कुंभा जो है तो उसका जो नाम है वह है काबुल, ठीक है। उसके बाद परोशनी, इसका क्या है नाम, रावी नदी। सदा नीरा, इसका नाम क्या है, गंडक। और सतुद्री, इसका आधुनिक नाम क्या है, सतलज। तो प्राचीन नाम आधुनिक नाम नदियों के आपको याद करने थे। चारों वेदों को अवरोही क्रम में लगाएं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो हमारे चार वेद हैं, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो इनको आपको कैसा लगाना है, अवरोही क्रम में लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा कि अवरोही क्रम में लगाना है, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, तो बाकी तीन ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उसके बाद सामवेद और फिर अथर्ववेद। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, जन्म पर, जन्म व कर्म पर, कर्म पर, या इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कर्म पर आधारित थी, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल आते आते ये कर्म पर आधारित ना होकर किस पर आधारित हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, ऋषि वशिष्ठ ने, शंकराचार्य ने, ऋषभ देव ने, या ऋषि विश्वामित्र ने। तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है उसका उल्लेख है, तो इसकी रचना किसने की, ऋषि वशिष्ठ ने, शंकराचार्य ने, ऋषभ देव ने, या ऋषि विश्वामित्र ने। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वह है राइट आंसर, ऋषि विश्वामित्र। सिंधु सरस्वती सभ्यता का चनूदड़ो नामक स्थल स्थित है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो स्थल है चनूदड़ो, तो यह स्थल स्थित है अफगानिस्तान में, भारत में, इराक में, या पाकिस्तान में। तो फटाफट से सोचिए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या होगा। सिंधु सरस्वती सभ्यता का चनूदड़ो नामक स्थल जो है स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि यह भारत में नहीं है, कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो मोहनजोदड़ो है, इससे लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है चनूदड़ो नामक स्थल, ठीक है। और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि यहाँ पर मनकों के निर्माण स्थल के रूप में इसको जानते हैं हम, चनूदड़ो को, मन मनके जो हैं बनाने के कारखाने यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, यहाँ के नगरों के घर में एक या दो मंजिल के होते थे, नगरों में स्थित नालों को सफाई हेतु खुला रखा जाता था, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था, या नालों में पानी के निकास की सुविधा थी। ध्यान से पढ़िए, सोचिए और फिर जो इसका आंसर दीजिए। तीन लाइनें बिल्कुल सही हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और एक गलत है, वो क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ठीक है। ए ऑप्शन है, यहाँ के नगरों के घर में एक या दो मंजिल के होते थे, बिल्कुल सही है। आधुनिक जिस तरीके से घर बनते हैं उसी तरीके के उस टाइम के घर थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार था, नालों में पानी की निकास की सुविधा थी, ये भी ठीक है, लेकिन नगरों में स्थित नालों को सफाई हेतु खुला नहीं रखा जाता था, बल्कि उनको ढक कर रखा जाता था, वो ढके होते थे। नगरीय व्यवस्था में तीन भागों में नगर व्यवस्था किस स्थल की है,
लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व चनूदड़ो और धोलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगर जो थे वो दो भागों में थे, लेकिन एक जो स्थल था वहां पर नगर व्यवस्था तीन भागों में थी। तो वो कौन सा स्थल रहा है? लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व चनूदड़ो या धोलावीरा? तो राइट आंसर है क्वेश्चन 17 का धोलावीरा। नेक्स्ट देखें, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम बताइए। मगध की प्राचीन राजधानी का नाम बताइए। पाटलिपुत्र, मथुरा, कोई नहीं या राजगिरी? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर है इसका राजगिरी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, किस वेद में सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? कौन सा वेद है? चारों वेदों में से ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो इन चारों में से किसमें कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं? तो क्वेश्चन 19 का आप लोगों ने लगाया होगा, क्वेश्चन 19 का सी ऑप्शन, अथर्ववेद। ठीक है, तो अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। नेक्स्ट देखें, भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया प्रथम नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो क्या रहने वाला है इसका सही आंसर? सभी का ही सही है। क्वेश्चन 20 का आंसर है हड़प्पा। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में खोजा गया पहला नगर कौन सा था? हड़प्पा का। और सिंधु घाटी सभ्यता को इसी शहर के नाम के कारण जो है हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है कुशीनगर मध्य प्रदेश, कुशीनगर बिहार, कुशीनगर उत्तर प्रदेश या कुंडग्राम बिहार? तो सभी ने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में याद किया है। तो आंसर जो है क्या रहेगा? महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का स्थान है कुशीनगर बिहार में। ठीक है, वैदिक काल में भिषक नामक चिकित्सक का उल्लेख कहाँ मिलता है? वैदिक काल में भिषक नामक चिकित्सक का उल्लेख मिलता है, तो किसमें मिलता है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, गायत्री मंत्र में या सामवेद में? तो सही आंसर है इसका ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 23, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किसका उपासक था? सूर्य का, शिव का, विष्णु का या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर रहेगा कि वह शिव का उपासक था। यह भी याद रखना है, राजतरंगिणी में यह लिखा है कि अशोक जो है वो शिव का उपासक था। राजस्थान के किस स्थल से लैपिस लेजुली के अवशेष पाए गए हैं? पाली जिले में, राजसमंद जिले में, अजमेर जिले में या भीलवाड़ा जिले में? राजस्थान के किस स्थल से लैपिस लेजुली के अवशेष पाए गए हैं? पाली, राजसमंद, अजमेर या भीलवाड़ा? तो फटाफट से लगाइए आंसर। क्वेश्चन 24 का क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा राजसमंद जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में दीवारें ईंटों से बनी और उनके ऊपर गारे का लेप किया जाता था? चनूदड़ो, राखीगढ़ी, लोथल या कालीबंगा? तो यहां से यह भी पता लगता है कि उस स्थल में ईंटों से निर्मित मकान बने होंगे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहां दीवारें ईंटों से बनी थी और उनके ऊपर जो है गारे का लेप किया जाता था?
तो लिख लीजिए अपनी पेन से कॉपी में कि आपने 25 का कौन सा लिखा है। ए ऑप्शन सही है, बी है, सी है या डी है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा कालीबंगा। तो कालीबंगा जो ऐसा स्थल था जहाँ पर कच्ची और पक्की जो ईंटें थी उसके मकान मिले। अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी या लोथल? तो इसका सही आंसर क्या है? कालीबंगा। क्वेश्चन 27 देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर, कुंडग्राम, कपिलवस्तु या लुम्बिनी? तो बताइए इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा? तो क्वेश्चन 27 का सही आंसर है कुंडग्राम। ठीक है, कुंडग्राम वैशाली के निकट है, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी यानी मोक्ष का जो स्थान है वो क्या था? पावापुरी, जो कि कहाँ है? बिहार में। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? वर्धमान, सुद्धोदन, सिद्धार्थ या हर्षदेव? महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? देखिए रीट में आपके बहुत ही आसान से क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, ऑप्शन जो है वो आपको कठिन मिल जाते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से याद किया है। तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? राइट आंसर है सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया? वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया? चांदी, लोहा, तांबा या सोना? वैदिक काल में किस धातु का प्रयोग नहीं किया गया? तो सही आंसर है क्वेश्चन 29 का लोहा। ठीक है, वैदिक काल में लोहा जो धातु है उसका प्रयोग नहीं किया गया। अंतिम प्रश्न है आज का, अशोक ने किस शिलालेख के अनुसार बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? मास्की अभिलेख, भाबरू शिलालेख, गुर्जरा अभिलेख या मानसेहरा? मास्की अभिलेख, भाबरू शिलालेख, गुर्जरा अभिलेख या मानसेहरा अभिलेख? तो बताइए कि अशोक ने किस शिलालेख के अनुसार बुद्ध के त्रिरत्नों के प्रति अपनी आस्था प्रकट की? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा भाबरू शिलालेख। ठीक है, तो ये भाबरू शिलालेख जो है वो कहाँ है? जयपुर में है, राजस्थान के विराटनगर में ये स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में ये जो है शिलालेख जो है ये भाबरू शिलालेख, इसको एक ब्रिटिश सेनाधिकारी था कैप्टन बर्ट, तो उसके द्वारा जो है कटवा कर कलकत्ता के संग्रहालय में रखवा दिया गया था। तो आज के 30 में से कितने बच्चे हैं जिनके 30 या 29 मार्क्स जो आए हैं, सभी कमेंट में अपने मार्क्स जो हैं वो बताएं। और नेक्स्ट यूनिट 2 का जो टेस्ट कब होगा इसकी सूचना जो है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।